हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त स्टार। दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं फार्मिंग सिम्युलेटर 2019। और भाई इस वीडियो को देख के मेरे पीछे जो खड़ा है आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं बिग बड ट्रैक्टर के साथ स्टंट, और भाई इसका करेंगे टेस्ट प्लो के साथ और ट्रॉली के साथ। और मैंने थोड़ी कनोला भी काट दिया, कनोला भी भर दी मैंने, गाजर काट के सारी वो भी बेच दी। तो आज इस ट्रैक्टर के साथ करेंगे भाई मज़े। तो देखते हैं यार कितना माल खींच पर सबसे तगड़ा ट्रैक्टर है भाई दुनिया का। तो वो इसकी हॉर्स पावर भी बहुत ज़्यादा है, अभी दिखाता हूँ आपको। तो इसके साथ देखेंगे कि भाई ये 4-5 लाख माल खींच देगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। तो चलो यार शुरू करते हैं वीडियो जल्दी से छोटे इंट्रो के बाद। ये छोटा सा इंट्रो है भाई, इसको देख लो जल्दी से। वेलकम बैक दोस्तों। तो भाई ये ट्रैक्टर के बारे में मैं ज़रा आपको बता देता हूँ एक बार इसमें जाकर जरा फटाफट से। तो ये है लार्ज ट्रैक्टर, तो इसके अंदर मैंने इसका लगाया आज मोड। एक बार आपको भाई दिखा दो जरा कि ये 2020 का एडिशन है, नया अभी लेटेस्ट आया। इसकी स्पीड थी भाई 32 की। तो मैंने कहा यार इतना बड़ा ट्रैक्टर है और स्पीड 32 की, मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने स्पीड कर दी 100 की और थोड़ा सा मैंने इसका टॉर्क बढ़ाया है RPM वगैरह। और इसके पहिए तीन भी हैं, दो भी है, लेकिन ये तीन वाला भाई बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने इसको ये ट्विन वाला लिया है। वैसे तो ये सिंगल वाला भी है, ये तो ये सिंगल वाला लेकिन जच नहीं रहा, तो दो वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई सॉलिड ट्रैक्टर है तो इसके साथ दो पहिए तो कम से कम चाहिए। तो मैंने इसे एक लिया अभी किराए के ऊपर। तो देखते हैं इसके साथ आज हम क्या करेंगे। तो ये आगे भी अपना बिग बड। तो इसके अंदर हॉर्न भी लगा था, बकवास है पोंगी हॉर्न बकवास। तो मैंने लगा दिया इसमें जॉन डियर का हॉर्न, बढ़िया जॉन डियर। तो मैंने सामने लगा रखा है एक रैंप बढ़िया सा, तो इसको मैं पहले मरवाने वाला हूँ इसके साथ जंप। मैंने रैंप बिल्कुल सामने लगा दिया ताकि मैं यहाँ से जाऊँ और सीधे ही जंप कर दूँ। तो पहले चलेंगे थोड़ा पीछे और अब दबाते हैं भाई अपना क्रूज मोड ऑन। तो स्पीड 100 की है, देखते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते 100 की स्पीड होगी कि नहीं होगी। और हाँ भाई ये कैनेडियन फार्म मैप है, अगर आप किसी को नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूँ पहले ही। और इस गेम का नाम है फार्मिंग सिम्युलेटर 2019। इसकी स्पीड तो मैंने बढ़ाई थी लेकिन ये 100 की क्यों नहीं जा रही। ओहो स्पीड इसकी लगता है लॉक कर रखी है। तो चलो 76 की स्पीड है मैक्सिमम, और देखते हैं जंप कैसे मारता है ये भाई सॉलिड। ओ भाई सीधा आ रहा, देखो बहुत हैवी। ओ लो भाई टस से मस नहीं हुआ ये। तो ये हो गया भाई इसका एक्सटेंट। चलो यार एक और करवाएंगे छोड़े। तो स्पीड इसकी अच्छा लॉक कर रखी है भाई 76 के ऊपर। तो ये स्पीड अनलॉक कैसे होगी मुझे देखना पड़ेगा। तो एक बार और करवाते हैं। तो 76 की स्पीड ही आ रही है, ज़्यादा स्पीड नहीं है भाई। तो अच्छा हाँ, कई भाई कह रहे थे कि यहाँ पर फर्श लगा दो जहाँ पर आप माल लोड करते हो। तो भाई मैंने यहाँ पे फर्श लगा दिया मिट्टी की जगह। तो अब देखते हैं कि ट्रॉली के पहिए धंसते हैं नीचे या नहीं। तो भाई आप जो कहते हैं मैं वो करता हूँ यार आपका, और मैं मानू ना यार ऐसा हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो लगवाते हैं इसको एक जंप बढ़िया सा, और अब देखते हैं जरा इसका नज़ारा इधर से। आजा भाई आजा, ये आ गया अपना बिग बड। ओ भाई चढ़ गया मेरे मुँह के ऊपर ही। ओह भाई ये क्या, ओ यार देखो गिरता कैसे है, मतलब टस से मस नहीं हो रहा, इधर उधर नहीं कहीं भाग रहा और बिल्कुल वहीं पर गिर रहा है। फर्स्ट क्लास गिरता है, मतलब कि इसे लेफ्ट राइट कुछ मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इतना हैवी है ये कि भाई अब ये पता नहीं कितने किलो का होगा, कितने किलो का होगा भाई ये, 1000 किलो का होगा क्या, मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो इसको चलते हैं एक बार टेस्टिंग करते हैं इसकी, जरा देखें 10 मीटर का प्लो। 5 मीटर से नहीं करेंगे भाई, 5 मीटर तो ये उड़ा देगा मिनट में। तो इसकी सीधे ही करेंगे 10 मीटर से, तो टाइम नहीं ख़राब करेंगे अपना क्योंकि इतना बड़ा प्लो 10 मीटर की खेती नहीं करेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। 10 मीटर की प्लोइंग आई मीन खेती नहीं। तो इसको लगाते हैं जरा इसके पीछे। आज अभी मुंडे, ओ यार ये लग क्यों नहीं रहा, ओ यार ये लग क्यों नहीं रहा भाई, ये तो हद कर दी भाई चले। ओ यार ये नहीं लगा, इसकी हिच दूसरी है, इसके पीछे मुझे वो कुंडा लगाना पड़ेगा। एक सेकंड रुको मैं देखता हूँ अगर मेरे पास होगा तो। इसमें चलते हैं मिसलेनियस में मैंने रखा तो था शायद, अरे यार नहीं है। अबे यार ये तो काम ही ख़राब हो गया। तो ये क्या भाई ट्रेन लिफ्टर, इसके पीछे इसको अटैच कैसे करेंगे यार हम, ये तो यार पंगे वाला काम हो गया। तो यार ये तो लग ही नहीं था, देखते हैं कल्टीवेटर लगता है, दूसरा लगता है 5 मीटर वाला, उसको देखते हैं यार एक बार।
अरे भाई लग जा, ये भी नहीं लग रहा यार, ये तो गड़बड़ वाला मामला हो गया। चलो तो लेके चलते हैं पीछे, कल्टीवेटर लग जाएगा शायद, कल्टीवेटर के नीचे है। हाँ ये देख, ये कल्टीवेटर लग गया भाई, कल्टीवेटर लग गया यार। यार वो एक हुक आती है, मेरे को एक भाई ने बताई थी, मैंने उसको लगाया भी था, लेकिन वो अब मेरे पास है नहीं, तो इसको ये तो यार इसको खींच देगा और बड़े आराम से भाई, बड़े आराम से इसको खोलते हैं एक बार, कल्टीवेट कराते हैं। चलो फ्लो तो नहीं लगा, फ्लो लगाते हैं कोई दूसरा, फ्लो का मोटर लगा लेते हैं यार। तो इस कल्टीवेटर के साथ ये कई ट्रैक्टर फेल हो गए, तो देखते हैं ये क्या करता है। इसको करते हैं डाउन और तीन दबाते हैं। ओ भाई लो भाई, आराम से कर रहा है, 15 पे कर रहा है, लेकिन मैंने सोचा था 20-25 लगता है वो। दरअसल कल्टीवेटर की स्पीड भी 15 की होगी ना, इसलिए वो 15 पे ही खींच रहा भाई, बहुत ही प्यार से खींच रहा है, एकदम सीधा चल रहा है। देखो बाकी ट्रैक्टर इधर उधर भागते हैं, लेकिन ये सीधा चल रहा है, फर्स्ट क्लास। चलो इसको करते हैं बंद, होगी टेस्टिंग, आ जा भाई 15 पे, तो 15 की स्पीड होगी उसकी कल्टीवेटर की, तो कल्टीवेटर को कर देंगे बंद। बंद यार ये बंद भी बहुत देर से होता है। तो फ्लो नीचा है भाई, वो फ्लो उसकी हिच जरा गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रही। एक मिनट भाई, इसको बंद करते हैं, हटा देते हैं, लगना तो चाहिए था यार, लग नहीं रहा यार, ये तो मज़ा नहीं आ रहा। तो मुझे इस 10 मीटर को देखना था, खींच के खिंचवा के इससे, कि ये खींचता है कि नहीं, लेकिन यार खींची नहीं लग रही, बहुत नीची है। एक बार ट्राई करता हूँ, नहीं लग रही भाई। एक सेकंड यहाँ पे लगाते हैं अपनी शॉप को, और देखते हैं कोई और देसी फ्लो हो अपने पास इसके अंदर। अरे यार इसमें चलो ना, इसमें सॉरी, इधर चलो वापस, फ्लो देखता हूँ कोई और मिल जाए। ये तो यार मोड है, ये इस मोड में इसको भी वैसे तो खींचना मुश्किल है, ये इसके साथ लग नहीं रहा, इसको लेके देखता हूँ। हाँ इसकी हिच देखो नीची है, ये लग जाएगा। तो ये है 6 मीटर का, यार ये बहुत छोटा है, छोटा है। चलो देखते हैं प्लोइंग करके, असली प्लोइंग कराते हैं इससे। आ जा भाई थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा इधर को, चलते हैं वापस। हिच से हिच मिलाएंगे तभी तो लगेगा। हाँ भाई ये लग गया, और 10 मीटर वाला थोड़ा सा इसको और चाहिए कुछ, तो यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे करवाते हैं इसको। तो मोड़ तो कर ही देंगे, वो कल्टीवेट के मोड़ है ना दरअसल। तो खोलते हैं प्लो को, खोल गया क्या, यहीं से करते हैं डाउन, तीन दबा देते हैं। ओ भाई कर दिया आराम से भाई, ये बिग बड है, बिग बड, ये बिग बड है 2020 एडिशन। लो भाई इसकी कर दी 12 पे, तो 10 मीटर की भी कर ही देगा भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। लेकिन यार वो लगा नहीं मोटर, मैं बताओ कैसे लगाऊं। चलो ठीक है भाई, ओके थैंक यू भाई, बिग बट बहुत बढ़िया। तो भाई कितने नंबर दोगे इसको, 100 में से 100 हैं, 100 में से 100 दोगे, कितने दोगे जल्दी से बताओ। तो इस 6 मीटर वाले को रख देते हैं यहाँ पर अभी वापस, वो लग नहीं रहा भाई, तो इसको लगा देते हैं वापस यहाँ पे। आ जा। तो कर देगा कल्टीवेट भी, और कल्टीवेट भी कर देगा भाई, बड़े जितना बड़ी मर्जी बड़ा लेके आओ आप, जितना मर्जी साइज का लेके आऊँगा मैं, तो कर देगा कल्टीवेट, प्लोइंग सारी कर देगा भाई। अब चलते हैं असली टेस्ट के साथ। तो मैंने कनोला आज थोड़ी सी लगाई थी उसी खेत के अंदर जहाँ मैंने रैंप लगाया, तो कनोला उस खेत में लगाई थी, लेकिन मिली भाई एक लाख बस, इससे ज़्यादा नहीं मिली। तो ट्रॉली की हिच इधर को, आ जा भाई। तो इसके अंदर इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहिए ज़्यादा ही बड़े हैं, ट्रॉली के साथ फंसे ना, और इसको दूर से ले जाना पड़ेगा। ओ ओ ओ ओ बस बस बस, ओ पीछे चल पीछे बस। तो इसके अंदर कनोला भरता हूँ, वैसे तो मैं पहले भरता हूँ वो वीट, लेकिन मेरे पास यार चैरी पड़ी हुई है, चैरी है 1,70,000। तो ये भरते हैं, देखो ये चैरी आ गई, देखो क्या लाल लाल सी चैरी आ रही है यार, देखो। अरे यार दे दो थोड़ी सी खाने के लिए। तो चैरी भर दी मैंने 34%, 1,71,000। लो भाई कोई भी, ओ भाई चलो, इसको ट्रॉली ऐसी लग रही जैसे कि बच्चा फूल होता है ना, जैसे हाथ में आपके फूल है, फूल गुलाब का, ऐसे लेके भाग रहा है इसको। लो भाई फुल स्पीड पे भाग रहा
अभी तो फुल स्पीड पे भाग रहा है अभी। और ट्रॉली देखो, ट्रॉली को नचा दिया भाई बिग बर्ड ने। ये है बिग बर्ड। तो यार बहुत दिन से कई भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे बिग बर्ड दिखाओ, बिग बर्ड दिखाओ। और रुक जा भाई, इसकी तो स्पीड ही बहुत है, बैक फोर्स ज़्यादा है। मैंने बैक फोर्स वगैरह कुछ सेट नहीं करा, जितना था भाई उतना ही है। ओके अब कैरी डालते हैं वापस। तो कनोला मैंने काटी आज थोड़ी सी ज़्यादा, कनोला वो हो गई है तो 380-85 हज़ार। तो देखता हूँ कनोला भरता हूँ इसके अंदर 4 लाख, देखते हैं 4 लाख पे ये खींचेगा कि इसकी भी ऐसी तैसी हो जाएगी। आज अभी आ जाओ पीछे आ जाओ। तो माल डालना चाहिए बीच में, भाई कहते हैं बीच में डालो। तो अच्छा गाजर मैंने कर दी इसके अंदर, भर दी 1 मिलियन, इससे ज़्यादा गाजर आई नहीं। बाकी गाजर आई थी मैंने सारी बेच दी। तो पहले थी 2,87,000, तो मैंने काटी तो मुझे इतनी मिली 1 लाख के आसपास, 1 लाख से थोड़ी कम मिली। चलो इसको भरते हैं 3,87,000। मैंने सोचा था 5 लाख कनोला हो जाएगी, लेकिन 5 लाख हुई नहीं भाई। चलो नहीं हुई तब क्या कर सकते, तो भर लेंगे इसको फुल। हाँ भाई बिग बर्ड, बिग बर्ड का टेस्ट करते हैं, बिग बर्ड को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसकी टांगे उठाएंगे आज, लेकिन भाई पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे। उठी क्या? नहीं भाई। ओ भाई, ओ भाई इतने प्यार से खींच रहा है यार ये तो। ओबे यार ये क्या कर दिया भाई, ये बिग बर्ड है। ओ देखो यार, लो भाई बिग बर्ड कह रहा है मुझे कोई फर्क ना पड़ता। अरे भाई कितना भी माल लगा दे तू भाई, मन ने फर्क ना पड़े। लो भाई खींच दिया मुंडे ने भाई, छोरा तगड़ा सा अपना। देखो 43-44। ओ यार ये रोड के अंदर भाई गड़बड़, ये रोड के अंदर झटके लगते हैं, इस सड़कों के अंदर झटके लगते हैं। ये हैं झटका सड़कें। देखो मैंने यहाँ पे लगाई थी कनोला, और ये देखो सड़कें। सड़क पे चलाना, कई भाई कहते हैं सड़क पे चलाओ सड़क पे, लेकिन प्रॉब्लम है सड़क यहाँ की ख़राब है। तो चलो वापस चलते हैं, इसको डालते हैं वापस। भाई 3,83,000, यानी कि 4 लाख माल हो गया भाई। इसका मैं तो आज 6 लाख के साथ भी टेस्ट करने वाला हूँ, और 6 लाख से बड़ा ट्रेलर मेरे पास कोई होगा तो मैं उसको भी ले आऊँगा। तो इसको लगाते हैं वापस खेत के, इसको डालते हैं वापस साइलो के अंदर। अब इसमें भरते हैं गाजर 5 लाख, देखते हैं यार 5 लाख गाजर के साथ इसकी ऐसी कैसी होगी कि नहीं होगी। चल मुंडिया डाल दे वापस। लो भाई और फार्म हाउस के अंदर देखो, बिग बर्ड के ट्रैक्टर के इसके निशान देखो कितने बड़े बड़े आ गए, क्योंकि बहुत हैवी है ना, तो मिट्टी ज़्यादा दब गई नीचे को। चलो अब डालते हैं गाजर, अब आएगा मज़ा। 5 लाख गाजर, इसकी कैपेसिटी 5 लाख है, तो इसको सेंटर में कर दूंगा बस। ठीक है भरते हैं इसके अंदर गाजर। गाजर है अपने पास 1,010,000। आ जा भाई मेरी गाजरें, अरे कितने गई गाजर मेरी, आ गई आ गई, क्यों शर्मा रही है। तो ये आई भाई अपनी लाल लाल सी गाजर। अब तो गाजर का मौसम भी आने वाला है भाई, गाजर आने वाली है। बस सर्दी आ गई, अगले महीने से सर्दी शुरू हो जाएगी। तो फुल भर लेंगे 5 लाख, एक बार पहले भर इसमें 5 लाख, फिर लेके चलता हूँ। लो भाई ट्रॉली, अब ये मत क्या ना आगे डालो पीछे डालो। अब तो ट्रॉली देखो अपने आप ही फुल हो गई, देखो आगे पीछे सारा माल डल गया। अब मैं दबाता हूँ बटन। ओ भाई घिस दिया एक पे, एक मिनट यार क्रूज मोड ऑन कर देता हूँ, ताकि अब मैं बटन नहीं दबा रहा हूँ। देखो ट्रॉली की पहिए देखो भाई, ऐसी तैसी हो रही ट्रॉली की, तीनों पहिए देखो ज़मीन के अंदर घुस चुके हैं 3 पे भाई। ओ बिग बर्ड की ऐसी तैसी हो गई बिग बर्ड फेल हो गया, 0-0 स्पीड। चल इधर को काटो थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा लेफ्ट राइट लेने से चलता है। हाँ देखो चला ना, हाँ चल चल खींच दे 5 लाख गाजर भाई। 5 लाख कनोला के साथ टेस्ट करना था। मैं क्या एक काम करता हूँ, कनोला और लगाता हूँ भाई, अभी कनोला मैं लगाता हूँ बड़े से खेत में। तो कनोला लगाई मैंने अभी, मेरे को 1.5 घंटा लग गया। कनोला लगाई, काटी, गाजर लगाई, गाजर भी काटी, और नहीं भाई ने फेल हो गया भाई। 5 लाख गाजर नहीं खींच पा रहा। खींच दी आ गया लाइन पे, आ गया 3 पे, चल 4 पे, चल तो पड़ा चल पड़ा। ओ भाई 6 पे आ गया, गुड। 5 पे 6 पे 5 पे, ओ सीधा रास्ता है, ठीक है। तो इसको मोड़ेंगे नहीं, अगर मैं मोड़ूंगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर ऐसे हम माल बेचने जाएंगे तो सुबह जाएंगे तो भाई फिर महीने बाद आएंगे, एक महीना लग जाएगा माल बेच, अपनी फसलें बेचने में 1 महीना लग जाएगा। ओ भाई 6 बस, 6 से ऊपर नहीं जा रहा भाई। और ये अपना हीरो अंदर बैठा है, बिग बर्ड चला रहा है देखो आज।
लौंड अरे यार अंदर से नज़ारा तो लिया ही नहीं यार इसका। ओहो अंदर से तो देखा ही नहीं यार। देखो लीवर इतने सारे और गाजर इतनी सारी, और एक बार मार देंगे बढ़िया सा हॉर्न। हट जाओ भाई, 6 लाख 5 लाख गाजर आ रही है 6 की स्पीड पे। तो मैंने क्रूज मोड ऑन करा हुआ है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अब। भाई अंदर से देखो यार क्या शानदार है ना, कैबिन वैबिन लगे हुए अंदर, एसी भी लगा हुआ है क्या भाई ऊपर, और टीवी भी लगा हुआ है छोटा सा मॉनिटर, और छत देखो कितनी बढ़िया यार, और स्पीकर लगे हुए। ओहो हो हो, तो हमने भी डीजे का मोड बना लिया, आपको दिखाएंगे जल्दी डीजे का मोड। ये देखो अंदर टीवी भी लगा हुआ। हट जाओ कनाडा वाले, आ गया ट्रैक्टर बढ़दा देखो आज। तो भाई 5 लाख माल कोई नहीं खींच पाया, 5 लाख क्या 4 लाख भी कोई नहीं खींच पाया, लेकिन पिक बटन ने भाई 6 पे खींच दिया। अब भाई रो के खींचा चाहे हंस के खींच, देखो इसकी स्पीड हो गई कम ना, क्योंकि तो जैसे ही मैं स्टीयरिंग को घुमा ये सीधा सीधा जाएगा बस, अगर आप इसको मोड़ ऐसे मोड़ोगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। चलो अब ये देखते हैं वापस साइलो में माल डाल देगा। तो 5 लाख कनोला करता हूँ मैं एक बार, 5 लाख कनोला के साथ भी टेस्ट करना पड़ेगा। लो भाई अब तो ये रोड में दिक्कत होगी, देखो ये रोड ख़राब है, ये रोड की वजह से फंस गया, ये सड़कों में दिक्कत है, अब तो चले नहीं पाएगा, मुश्किल है। एक काम करते हैं वापस करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, और इसकी हॉर्स पावर 1100 है भाई, 1100 हॉर्स पावर का है ये इंजन, ही देख के आपको पता लग रहा होगा। आगे देखो दो दानव जैसे सलेंसर लगे हुए हैं, देखो कॉपर पाइप लगी हुई है कितनी मोटी, और एयर फिल्टर लगे हुए हैं ऊपर इसके साथ ही, देखो दो बड़े बड़े, ताकि इसका इंजन भाई ठंडा रहे। वापस चल, वापस चल, इसको वापस लेके जाना है, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा, बहुत मुश्किल। चल तो पड़ा, चल गया चल गया चल गया, इधर को इधर को इधर को। तो इस रोड में दिक्कत है भाई, इस रोड के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 6 की स्पीड जो आ रही है ना वो भी मर जाएगी। तो इसको ऐसे ही वापस लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको घुमाता हूँ मैं अभी इधर से। इन सड़कों में भाई बहुत ही, मैंने आपको हर बार बताता हूँ मैं आपको, इन सड़कों में बहुत दिक्कत है। चल भाई चल, बिग बड दे, तब पटाखे पै गए भाई। चंगी कहिंदा सरदार जी कितने फसाता मैनू, चंगा बड़ा अमरीका च खेती करता सी, तुसी इत्थे कनाडा च फसाता लिया के। चल भाई चल, नो भाई नो, इससे नहीं होगा, ये नहीं लेके जा सकता, मुश्किल है। काट दिया भाई काट दिया, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, मुश्किल में फंस गए अब एक बड़ जी। नहीं भाई नहीं, मोड़ नहीं पा रहा उसको, 5 लाख गाजर को मोड़ नहीं पा रहा एक बड़। इधर को काट, किधर को काट, चल किधर को, तो चल अबे लेफ्ट राइट कहीं चलेगा। ओ ओ ओ चला, एक पे दो पे भाई, वापस डालना है इसको माल साइलों में, नहीं चल पा रहा, बहुत मुश्किल है। लो भाई बिग बर्ड कह रहे थे आप टेस्टिंग करो, लो बिग बर्ड की टेस्टिंग कर दी, लेकिन सीधा सीधा चल रहा है बस, ये वापस और लेफ्ट राइट वगैरह नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से हो रहा। चल वापस ही चल यार, तो सीधा सीधा नहीं तो वापस ही चल। चलो इधर को काटो, तो ऐसे ही ले चलते हैं यार इसको। यार इस रोड पे लाके गलती कर दी भाई, इस रोड पे लाके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तो भाई 4 लाख माल तक खींच देगा, मतलब 4 लाख गाजर खींच देगा, 4 लाख गाजर क्या मतलब कुछ भी कनोला वगैरह, 5 लाख मुश्किल है, क्योंकि तो भाई बहुत 5 लाख बहुत होता है, बहुत होता है। नहीं भाई नहीं जा पा रहा, मुश्किल मुश्किल बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल है, फंस गया बिग बड है, अब ये क्या करेगा, पता नहीं भाई क्या करेगा, ये समझ नहीं आ रही। चलो एक पे जा रहा भाई, इधर को काटते हैं, इधर को चलो यार मजाकबाजी छोड़ते हैं, अब सीरियसली काम करते हैं, इसको खींचते हैं इधर को, आ जा, खींचेगा खींचेगा, बहुत जान लग रही है भाई इसकी, फुल जान लगी पड़ी है, नहीं खींच पा रहा। इसके आगे कुंडा है क्या, आगे अटैचर भी नहीं है यार, नहीं तो मैं एक ट्रैक्टर वो लाता इसको आगे से अटैच करता और इसको ले जाता।
ओ भाई काट दे। नहीं भाई, 5 लाख गाजर मुश्किल है इसके लिए। मैं चल तो पड़ा यार, वो चल पड़ा हो, ये शर्म आ गई थोड़ी सी इसको। सीधा चलता है दरअसल, सीधा चलता है, स्पीड बढ़ती है जैसे ही, फिर मैं रोक देता हूँ तो बंद हो जाता है। भाई इसको मुझे साइलो में माल वापस ही तो डालना है, मैं कैसे डालूंगा, मेरे पास तो और कोई ट्रैक्टर भी नहीं इससे तगड़ा, इसी से डालना पड़ेगा। चलना और चल ले भाई, 16 वोल्ट 747 भाई, ये है बिग बर्ड 747 का मोड, और देखो बिग बर्ड की ऐसी की तैसी हो गई है। नहीं भाई नहीं चल, खड़ी टांगे तो खड़ी नहीं होंगी इसकी खैर, क्योंकि ये बहुत हैवी है इंजन इसका, बहुत ही तगड़ा है, टांगे तो नहीं उठा सकते इसकी आप। और ट्रॉली पीछे देखो, एक काम करते हैं अब कुछ, ओ तो आ गई, भाग गया पीछे, चल इधर पे चल, लगा उसको, मैं ट्राई कर रहा था कि शायद खींच ही दे यार। तो चलो यार, टाइम ख़राब हो रहा है यहाँ पर, कोई फ़ायदा नहीं है। ओ डिग बोर्ड कह रहा है मेरा नाम ख़राब हो रहा है भाई, खींचना ही पड़ेगा, देखते हैं भाई खींच पाता है कि नहीं। जीरो, फिर जीरो हो गया, आगे रोड ख़राब है। नो भाई नो, खींच दिया खींच दिया, चल 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 चल, एक बार बस उसमें डाल दे वापस, सीधा करो तो चलता है, टेढ़ा करो तो मुड़ जाता है। देखो सीधा करो तो एक पे दो पे चलता है, देखो और जैसे इसको लेफ्ट राइट करो, चल रोड पे जाम करवा देगा तू, सारा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अभी कनाडा वाले गालियां निकालेंगे, पुलिस को फोन कर देंगे, क्योंकि भाई कनाडा में एक इंडियन फार्मर आया यार, उसने रोड जाम करवा दिया, जल्दी से खुलवाओ हमें जाना है। चल चल चल, मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया, काट दे काट दे, मुड़ता नहीं यार ये, सीधा चलता है लेकिन, देखो सीधा करूँगा तो चलेगा, देखो दो पे तीन पे चार पे, थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए पहले इसकी। हाँ चल पड़ा चल पड़ा, साइलो देखो बहुत ही पास है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। चल नो भाई नो, कह रहा मुझे सीधा सीधा चलाओ, मुझे लेफ्ट राइट में मत मोड़ो। तो इसी मैप के अंदर मैं फंस गया था एक बार, उसके बाद मैंने करी थी मॉडिफिकेशन शुरू, क्योंकि पहले मैं मॉडिफाई नहीं करता था कुछ भी। तो एक बार जब मैं फंस गया था 5 लाख माल डाल के ऐसे ही, तो मैंने मॉडिफाई करा था ट्रैक्टरों को कि इसको ये कैसे खींच के ले जाएगा। तो मास अपडेट होता है, तो मास अपडेट को कर दो फॉल्स, तो भाई जितना मर्जी माल डाल लो आप, 10 मिलियन डालो या 100 मिलियन डाल लो, कितना मर्जी डाल लो, तो कोई भी ट्रैक्टर उसको बच्चा बच्चा ट्रैक्टर भी खींच देगा। तो चलो यार, इसको मैं बाद में लेके जाऊंगा, ये था इसका टेस्ट। भाई ट्रॉली के साथ 5 लाख माल खींचा है, लेकिन भाई ने सीधा सीधा खींचा है, मोड़ा नहीं है, मुड़ नहीं रहा, बहुत मुश्किल है। तो जिन भाइयों ने रिक्वेस्ट करी थी बिग बड की, उनकी रिक्वेस्ट मैंने आज पूरी कर दी, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना यार, कमेंट करना बढ़िया सा, और शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें, और भाई एकदम मस्त रहें। बाय बाय दोस्तों, ये है बिग बर्ड 747 का टेस्टिंग वीडियो। ओके दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। चल भाई मुंडिया बंद कर दे, लहू पी लिया आज तक बिग बर्ड का।